सचेतन बार्ता बांटुछन्ति धनेश निशामुक्त समाज पई चलाइछन्ति अहरह उद्यम बाहरिछन्ति भारत भ्रमण रे धनेश साहा सुदूर बिहार रुआसी श्रीक्षेत्र रे बांटुछन्ति सचेतनतार बार्ता रिक्सा चलाई बड़दाण्डरे से निशामुक्त समाज और शैक्षिक समाज आह्वान दे सचेतनतार यात्रा करुवा बेले सबु धर्म सामान बोली मत दे 2005 मसीह रिक्सा चलाई धनेश भारत भ्रमण यात्रा आरंभ कर 2019 मसीह लॉकडाउन समय श्रीक्षेत्र आसीथिले हेले पुलिस कड़ा प्रहर जोगु तांकु बाईपास रु ही फेरिबाकु बाध्य करिथिला 2005 से चल रहे ये जगन्नाथपुरी तीसरी बार हम आए 2016 में आए 2021 में लॉकडाउन में फंस के बाईपास से ही चले गए और हमारे हर धर्म को मानते हैं ये रामदेवरा की है राजस्थान में तनोट माता की है और धर्म नहीं कहता कि ये आपस में लड़ाई करो और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ लिख कर इंसान से विद्वान बने और विद्वान बनकर हमारे भारत के व्यक्ति को कमजोर और गरीब न समझे उनकी मदद करे यही हमारी उम्मीद है कि हर व्यक्ति को इंसान समझकर सेवा करे गरीब और कमजोर न समझे हम सब भारतीय हैं धर्म और जाति के नाम पर जो लड़ते हैं वो बेकार हैं कोई धर्म खराब नहीं सब धर्म बराबर है कि हर व्यक्ति को शिक्षा जरूरी है और नशा मुक्त भारत बनाने की कोशिश करे मन और आदत का कोई दवा नहीं होता पिलाने वाले मिलते हैं छुड़ाने वाले नहीं मिलते समय उनको छुड़ाता है माँ बाप भी हार जाते हैं डॉक्टर हार जाते हैं बीवी हार जाती है बच्चे हार जाते हैं नहीं छोड़ पाते लेकिन उनको ऐसा टाइम आता है कि अपने आप छोड़ते हैं और दशरथ मांझी की बीवी मरने के बाद पहाड़ को 22 साल छेने हथौल से खोद कर रास्ता बनाए दूसरों के लिए उसी तरह धर्म जी के दीवानगी में हम रिक्शा वाले बने और धर्म जी दिलीप साहब के दीवाने में स्टार बने अच्छे इंसान हैं अपने मेहनत से आगे बढ़े हम यही चाहेंगे कि धर्म जी के तरह और हमारे तरह दीवाने न बने पढ़ाई का समय बर्बाद न करें और पढ़ाई अच्छा से करके माँ बाप का सेवा करते हुए भारत का नाम आगे बढ़ाए यही हमारी उद्देश्य है धनेश भारतर समग्र अंचल बुली सारिथिबा बेले आसाम श्रीनगर हरिद्वार भ्रमण बाकी रही खूब शीघ्र समाप्त करिवे बोली से कहिछन्ति तेबे बॉलीवुड तारका धर्मेन्द्रक ठारु अनुप्राणित होई से एही रिक्सा यात्रा आरंभ करिथिबा बेले रिक्सारे भारत मातृका पई त्याग देइथिबा स्वाधीनता संग्रामी मानक फोटो को स्थान देइथिबा देखिबाकु मिलिछि पुरी रु आलोक आशुतोष रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।